वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेनवाल। सो इन लास्ट वीडियो वी वर सॉल्विंग अवर एक्सरसाइज एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, 5 से पहले हम 6 वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 1 होल क्यूब। लेट मी चेक द फोकस। देख लो बच्चों, फिर से फोकस ब्लर आ रहा है, अब सही आ रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। अपने को कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेंगे। 2x + 1 होल क्यूब सोल्व करना है। देखिए बच्चों, सर आपने बताया फर्स्ट पार्ट है, सर ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा 1 + a, एक फॉर्मूला बताया था आपको, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, तो x + y है और इसका क्या हो जाएगा क्यूब। सर क्यूब करेंगे तो क्या बताया था फॉर्मूला, x³ + 3xy + 3xy² + y³। तो सर यहाँ पे x का वैल्यू तो आप 2x रखेंगे, इससे कंपेयर कर लो ना, और y की जगह कौन बैठेगा सर, 1। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, x की जगह 2x रखेंगे, उसका हो गया क्यूब प्लस 3 × x की जगह क्या पुट करेंगे, 2x, उसका हो गया स्क्वायर। ठीक है, y की जगह पुट करेंगे हम 1 प्लस 3 × x की जगह हम पुट करेंगे 2x, y की जगह क्या पुट करेंगे 1। ठीक है, प्लस y की जगह क्या पुट करेंगे 1³। ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया देखो, 2³ मतलब 2 × 2 × 2 8 हो गया। कई बच्चे 6 लिखते हैं 2 × 3, अरे मूर्खों, 2³ का मतलब है 2⁴ होता तो एक बार 2 और आ जाता। प्लस सर 2 × 2 = 4 होगा, 4³ = 12 आ जाएगा, और x के साथ x² है, 1 का मल्टीप्लाई करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3² = 6x, 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और लास्ट में 1³ आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। यस, फोकस दिस टाइम, फोकस इज फाइन बच्चों। इसी में जैसे सेकेंड पार्ट करते हैं हम सो, ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या कह रहे हैं, 2a - 3b, इसका है बच्चों क्यूब। ठीक है सर, आप कह रहे हो माइनस वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, मैं प्लस वाले भी कर सकता हूँ, माइनस वाले भी करूँगा। देखो कैसे, अगर मैं प्लस वाली आइडेंटिटी अप्लाई करता हूँ तो y की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे, देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो x की जगह आ जाएगा 2a और y की जगह आ रहा 3b। ठीक है, तब तो आप माइनस वाली आइडेंटिटी यूज कर लो। ठीक है, और अगर आप प्लस वाली ही आइडेंटिटी यूज करना चाहते हैं तो y की जगह क्या लगा दोगे, -3b लगा दोगे। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि देखो सर माइनस वाली आइडेंटिटी क्या होती है, x³ - 3x² y + 3xy² - y³। बच्चों माइनस वाली आइडेंटिटी ये होती है, पर ये आई कहाँ से थी, ये प्लस वाली से तो आई थी। क्यों, क्योंकि सर एक्स की वाई की जगह माइनस वाई पुट करने से, तो वाई की जगह अगर मैं माइनस वाई पुट करूँगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पुट करूँगा तो यहाँ पे, तो ऑलरेडी ये माइनस हो चुका था, आप दो बार नहीं लेंगे। तो हम सोचते हैं चलो माइनस वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, चलो ठीक है वाई की जगह आप सिर्फ 3b रखेंगे। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करो, एक्स की जगह पुट करेंगे 2a³ -3 × 2a² × y, y की जगह बच्चों क्या आ गया 3b प्लस 3 × x की जगह कौन आ गया 2a, y की जगह कौन आ गया 3b, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा -y³, y की जगह है 3b, इसका लग जाएगा हमारा क्यूब। इज इट क्लियर? अब सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है, 2a³ मतलब 8a³ बच्चों, 2 का क्यूब 8 होगा और a का a³ हो जाएगा। देखो सर 3 × 3 कितना हो गया 9, बट 2 का स्क्वायर यहाँ पर भी 4, 9 × 4 = 36, a² साथ में b मल्टीप्लाई, प्लस सर 3 तो ये रहा 2 ये रहा 6 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 × 6 = 54, a ऐसा ही रहेगा एंड b इज b² माइनस 3 का क्यूब 3 × 3 × 3 27 b³। दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड लेट मी चेक द फोकस। यस, फोकस इज फाइन बच्चों। इसी में एक पार्ट और सोल्व कर लेते हैं हम, और वो क्या कहना चाह रहे हैं,
आप सोल्व कर सकते थे, देखो क्या कह रहा है, 3/2x + 1 इसका क्यूब है बच्चों, ठीक है, क्या है 3/2x + 1, तो आप x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह पुट करेंगे 3/2x और y की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो आप फॉर्मूले में पुट करो, x की जगह क्या पुट करोगे 3/2x और इसका क्या है क्यूब प्लस 3 × x² एक्स की जगह 3/2 × x² इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 प्लस आगे 3 × x, x का वैल्यू है 3/2x और y का वैल्यू है 1² लास्ट में y का क्यूब, इज इट क्लियर बच्चों। देखो 3 का स्क्वायर क्यूब होता है सर 27 और 2 का क्यूब होता है 8, तो ये आ गया, और x का क्यूब x क्यूब प्लस बच्चों यहाँ ध्यान दो 3 का स्क्वायर है 9 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर है 4, ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे चेंज आएगा बट x का स्क्वायर तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3 × 3 = 9/2x, ठीक है प्लस 1, दिस इज योर आंसर, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके नोट इट डाउन कर सकते हैं बच्चों। अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे, क्यों करेंगे फिफ्थ वाला बच्चों, ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो आपका था फिफ्थ, पहले हमने सिक्स किया, सिक्स्थ में था आइडेंटिटी के लेफ्ट पार्ट से राइट पार्ट निकालना, अब आएगा राइट, अब देखो कौन सा क्वेश्चन दे रखा फिफ्थ वाला, सॉरी फिफ्थ वाला तो आपका फोर्थ वाले का ही दे रखा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, वो ध्यान नहीं दिया, फिफ्थ वाला कर लेते हैं वापस, वो देखा नहीं मैंने ढंग से उसको, वो है एक्चुअल में फोर्थ वाले आइडेंटिटी वाला है, जो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab + 2bc + 2ca उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में 1 सोल्व करवाना है, 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz, मैं डायरेक्ट बता सकता था बच्चों आपको इसका आंसर, ठीक है, बट हम ध्यान देते हैं 12xy - 20। अब देखिए सर, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था x + y + z² दैट इज इक्वल टू x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, इज इट क्लियर बच्चों, ध्यान दो x की जगह देखो, इस बार आइडेंटिटी का LHS तो है नहीं, पहले फोर्थ क्वेश्चन में हमने किया था लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट की थी, अब राइट हैंड साइड देखो ऑलरेडी सोल्ड है, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड पुट करनी है, ठीक है, तो इसको अगर मैं देखूँ, इसको यहाँ सोल्व करूँ, इधर देखो ये RHS गिवन है, तो RHS ये 4x² किसका रहा होगा सर, 2x रहा होगा प्लस y कौन रहा होगा सर, 3y रहा होगा, अरे तभी तो स्क्वायर किया तब 9y² हुआ सर, z कौन रहा होगा सर, 4z रहा होगा, तभी तो 16z² हुआ, फिर सर हमारे आइडेंटिटी में आता 2xy, तो प्लस लगा देते एक बार, 2 × x की जगह लिखा 2x, y की जगह लिख दिया 3y, हो गया कि नहीं 12 है, फिर आगे देखो 2yz, ठीक है 2y, y की जगह कौन लिख रहे हैं हम 3y, z की जगह लिख रहे हैं 4z, देख लो वापस 24 हो गया ना, प्लस 2 × z की जगह 4z लिखेंगे और x की जगह क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे, देख लो 4 × 8 × 16 हो गया, बट आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे सर, यहाँ तो प्लस था बट आपने तो सभी जगह प्लस लगाए थे जबकि यहाँ दोनों पे क्या आ रहा है माइनस, तो मैं ये समझाऊंगा अब आपको सर, x और y दोनों पॉजिटिव रहे होंगे तभी यहाँ पे प्लस आया है, देख लो, बट सर y और z के आगे नेगेटिव आ रहा है, तो y को तो आप ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव बोल चुके, इसका मतलब z क्या रहा होगा आपका, नेगेटिव रहा होगा, तो आप यहाँ पे माइनस लगा दें, z वाले की जगह भी -4z लिख दें और यहाँ पे भी आप क्या लगा दें माइनस, अब देख लो आप स्टैंडर्ड फार्मूला से कंपेयर कर लो,
देखो माइनस 24 वाई जेड, तो देखो 2 3 जा 6 4 जा 24, तो माइनस लग गया, माइनस 24 हो गया, 2 4 जा 8 2 जा 16 माइनस है, तो यहाँ माइनस लग गया। इसका मतलब ये राइट हैंड साइड है और इससे जो बनने वाली लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, हमें वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू कौन आ रही है 2x, y की वैल्यू कौन आ रही है 3y, एंड वैल्यू ऑफ z माइनस 4z। तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे 2x प्लस 3y और माइनस 4z और ऊपर तो होल स्क्वायर लगेंगे, ये आपका आंसर हो गया। इज इट क्लियर बच्चों? अब इसी में सेकेंड पार्ट है, वो मैं डायरेक्ट सोल्व करूँगा, बार बार इतना डिटेल में क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, आइडेंटिटीज आपको बता रखी है। देखिए इसी में नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, फिफ्थ में नेक्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ठीक है बच्चों? अब अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कंपेयर करूँ तो सर राइट हैंड साइड सोल्ड है, यहाँ पे हमें इसकी तरह लेफ्ट हैंड साइड बतानी है। बच्चों आपको पता है किसका होल स्क्वायर है? ये रूट टू का होल स्क्वायर रहा होगा और साथ में एक्स है। देख लो रूट टू को वापस रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू आएगी। सर यहाँ पर वाई ही रहा है, सर यहाँ पर कौन रहा है? एट को क्या लिख सकते हैं हम? 2√2 लिख सकते और साथ में जेड था। ठीक है तो सर एक तो अब आगे देखो यहाँ पे 2xy, ठीक है x 2 तो आ ही गया, x की जगह है सर √2x। एक बार हमें प्लस ही लगा रहे हैं तो मैं समझाऊंगा बाद में। y की जगह हम लिख रहे हैं y प्लस, सर 2 तो आता ही है फॉर्मूले yz, y की जगह y है, z की जगह सर 2√2 और साथ में z है। ठीक है प्लस लास्ट में सर 2zx, जेड की वैल्यू है 2√2z। ठीक है और आपका लास्ट में xz होता है, तो z लिख दिया हमने, x लिखेंगे √2x। ठीक है बच्चों ध्यान दीजिए, बट सर यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे माइनस था। यहाँ माइनस होने का मतलब क्या है? x और y में से कोई एक माइनस है और यहाँ y और z के आगे प्लस आ रहा है, इसका मतलब y भी प्लस रहा होगा और y भी z भी प्लस रहा होगा, या दोनों माइनस रहे होंगे। तो हम प्लस वाले कंसिडर कर लेते हैं, सर मान लेते हैं y और z दोनों प्लस हैं। ठीक है तो यहाँ प्लस आया होगा, ठीक है इसका मतलब यहाँ z आ गया, पर सर z को तो आपने प्लस बोला था और सर यहाँ पे भी y के आगे माइनस है, आपने y को प्लस बोला था, इसका मतलब x दोनों जगह नेगेटिव रहा होगा। तो यहाँ से x की जगह हम यहाँ माइनस लगा देंगे और यहाँ x की जगह माइनस लगा देंगे और यहाँ पे भी x की जगह माइनस लगा देंगे। अब आप चेक कर लो, देखो इसका स्क्वायर ये होता है, इसका स्क्वायर ये होता है, इसका स्क्वायर ये होता है। 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 ही आएगा और एक्स वाई आ जाएगा। 2 को 2 से करोगे 4, फिर √2 साथ में आ जाएगा, वाई जेड यही आ रहा है, प्लस का ही आ रहा है। यहाँ माइनस का था, ऊपर देखो माइनस का आ गया, यहाँ माइनस में आएगा, माइनस लगा हुआ है। 2 को 2 से किया 4 और √2 को √2 से करोगे तो 2 4 2 8। ठीक है इसका मतलब सर x की जगह कौन पुट होगा मेरा? √2x, y की जगह y ही पुट होगा और z की जगह 2√2z पुट हो जाएगा। ठीक है इसका मतलब सर अब मैं इन वैल्यूज को यहाँ पुट करूँगा, तो x की जगह हो गया √2x, y की जगह y, z की जगह 2√2z। ठीक है ये आपका होल स्क्वायर, माइनस साइन को मत बोलना, इसकी वजह से दो जगह माइनस आ रहा है क्वेश्चन में। तो बच्चों कुछ नहीं करना, आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए अगर लेफ्ट साइड गिवन है तो राइट साइड की आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, राइट साइड गिवन है तो हम वैल्यू लेफ्ट साइड पुट कर देंगे। इज इट क्लियर बच्चों? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसी में बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं फटाफट। बच्चों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, एक ही सॉल्व करूंगा इसमें, जैसे मैं चलो 2 कर देंगे, एक तो फर्स्ट वाला कर देते हैं 99 क्यूब। तो बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 - 1 क्यूब। और इसी में अगला पार्ट है हम वो कर लेंगे बड़ा वाला 998 क्यूब।
ठीक है, तो उन्होंने बोला आपको 99 क्यूब फाइंड करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। आप ऐसे नहीं करेंगे 99 को ऐसे जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट यू विल सी, वी विल सी 100 माइनस 1, इट मींस वी विल यूज द आइडेंटिटी, माइनस वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। तो x माइनस वाई क्यूब कितना होता है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, यही होता है प्यारे बच्चों। वैल्यू पुट करो, x की जगह 100 पुट करेंगे, y की जगह 1 पुट करेंगे। तो बच्चों ध्यान दो, 100 क्यूब माइनस 3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 100 एंड वाई इज 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, इज इट क्लियर। 100 क्यूब कितना हो गया बच्चों, 100 इंटू 100 इंटू 100 10 लाख हो गया, माइनस 100 स्क्वायर होता है 10,000, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो कॉमा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 2 3 2, 3 मल्टीप्लाई विथ 100, 300, 1 का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस 1। देखो बच्चों क्या हो रहा है, सर 10 लेख में से 30,000 कम हो रहा है, इसका मतलब सर 9,70,000 आ गया, उसमें वापस कितना ऐड हो रहा है, 300 माइनस 1 299, इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, 9,70,299, ये आपका आंसर आ गया। तो वैसे मल्टीप्लाई करते टाइम लगता है, जैसे वहाँ पे है 998, इसको सर हम क्या लिख देंगे, क्यूब निकालना है, इसको लिख दूंगा मैं सर 1000 माइनस 2 क्यूब। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो सर वहाँ पे फॉर्मूले में पुट करूँगा, x की जगह 1000 पुट करूँगा, 1000 क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 स्क्वायर इंटू y, y का वैल्यू कितना है 2, माइनस 2 मत लिखना, ऑलरेडी माइनस लगा चुके आप, प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करूँगा मैं 1000, वाई स्क्वायर, वाई की जगह क्या पुट करूँगा 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। ठीक है बच्चों, अब इजी है सर, 1000 का क्यूब है मतलब 90 लग जाएगी, 3060 और ये 90 हो गया, 3222। ठीक है, इंडियन में क्या लगता है, पहले 3 के बाद इंसर्ट होता है कॉमा। सर 1000 का स्क्वायर कितना होता है, 10 लेख होता है, 1000 इंटू 1000, ठीक है, तो 3 2 जो 6 हो गया और ये हो गया 10 लेख, 3040 5060 प्लस सर ये तो 4 हो गया, 12 हो गया 12,000। ठीक है, क्लियर है। 2 क्यूब कितना होता है बच्चों, 8 होता है। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ये 100 करोड़ है बच्चों, टेन लैख इंटू 6 ये फालतू कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो 12,000 में से अगर 8 गया 11,992 आ गया। अब आप इसको आगे सोल्व कर लेना घर पे, बहुत इजी है। देखो इसमें से कितना कम हो जाएगा हमारा, 60 लेख कम हो जाएगा, फिर उसमें से वो वापस ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये बोर्ड पे मैं कैलकुलेशन करता रहूँगा तो दो दो दिन लग जाएंगे, जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, हमारे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। तो इसका मतलब समझ रहे हो सर, आइडेंटिटी से सोल्व करना ईजी हो जाता है चीज़ों में। ठीक है, अब देखिए इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर गिवन है आपका, क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया। अब बच्चों ध्यान दो, जैसे इसी में क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन नंबर 6 किया था सर उसमें LHS था, लेफ्ट हैंड साइड गिवन था, उससे वैल्यू राइट हैंड साइड में पुट की। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या करेंगे सर, राइट हैंड साइड गिवन है तो वैल्यूज हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में एक पार्ट सोल्व कर लेते हैं, फिर रिमेनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। 8 में बच्चों, क्वेश्चन 8 में है, 5 पार्ट है,
टू या थ्री में सोल्व कर दूंगा, जैसे एट में एक पार्ट वन हम सोल्व कर रहे हैं। पार्ट वन क्या करें, एट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ट्वेल्व ए स्क्वायर बी प्लस सिक्स ए बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मैं तो इसको डायरेक्ट ही बता दूंगा, सर ये टू ए प्लस बी का होल क्यूब है। अरे बच्चों ये फॉर्मूला देखो ना, आपको क्या बताया ना, ए प्लस बी होल क्यूब लिख लो या एक्स प्लस, कुछ भी नोटेशन दे सकते हैं, फॉर्मूले से मतलब हमें एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर वाई थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है सर, एक्स की जगह यहाँ एक्स था, अब देखो वहाँ से कंपेयर करो। इस बार सर लेफ्ट हैंड साइड गिवन नहीं है, पहले लेफ्ट हैंड साइड गिवन थे, हमने राइट हैंड साइड आइडेंटिटी में वैल्यू पुट की, अब इस बार राइट हैंड साइड गिवन है, हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे। देखो कैसे सर, एक्स की क्यूब, ये एट ए क्यूब किसका रहा होगा सर, ये टू ए का क्यूब रहा है कहीं ना कहीं, प्लस वाई का क्यूब। अगर वाई क्यूब क्या है सर, आप इसको बी क्यूब लिख दो ना इसे सिंपली, बीच में तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है। देखो थ्री, एक्स की जगह कौन पुट हुआ, टू ए, वाई की जगह कौन पुट हुआ, बी प्लस थ्री एक्स की जगह टू ए और वाई की जगह बी स्क्वायर। देख लो इसी से तो हुआ है, इसका क्यूब करोगे एट ए क्यूब, इसका करोगे थ्री फोर जै ट्वेल्व ए स्क्वायर बी, ये रहा थ्री टू जै सिक्स ए बी स्क्वायर, ये रहा, और लास्ट में बी क्यूब। तो मैंने बी क्यूब को क्या किया, आगे लिखा हुआ था उसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वहाँ पर सेट कर दिया। तो ये किसका होल क्यूब है सर, ये होल क्यूब है टू ए का, इस क्यूब वाले टर्म को देखना होता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो, आगे उसमें बी है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया ऐसे। इज इट क्लियर बच्चों, रिमेनिंग वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टिल देन हैव ए नाइस डे बच्चों।